दिल्ली के प्रदूषण पर न तो सरकार की नजर है न ही विपक्ष की, बस इस जहरीली हवा को हौले हौले पीने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। जब ये जहरीली हवा आसमान पर धुंध की तरह दिखती है तो प्रतिक्रियाओं का अंबार सा लग जाता है, लेकिन जब इसी की बात पटल पर आती है तो सामने से हर कोई हट जाता है। इसी मामले पर कुछ दिन पहले ही चर्चा में भाग नहीं लेने पर भाजपा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर की भी खूब आलोचना हुई थी, मगर अन्य सांसदों को भी दिल्ली के घुटते दम को लेकर कोई चिंता नहीं है। इसका नजारा लोकसभा में दिखा जब प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को लोकसभा में प्रदूषण पर गंभीर चर्चा आयोजित की गई, मगर खाली पड़ी सीटों के बीच महज कुछ सदस्यों ने ही इस पर चर्चा की। उनमें से भी कुछ तो इस दौरान बस सियासी हमले ही करते रहे। दिल्ली में रहने वाले लोगों की सेहत की चिंता को लेकर हमारे माननीय कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को महज 18% उपस्थिति ही रही। दिल्ली में भाजपा के 7 सांसद हैं, लेकिन इनमें से रमेश बिधुड़ी और हंस राज हंस ने चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि इस बार तो हंस राज हंस को जनता ने सिर आंखों पर बिठाया था। सवाल सिर्फ सांसदों पर ही नहीं, लोकसभा के अधिकारियों और स्टाफ पर भी उठ रहा है, जो इस दिन सदन पहुंचे ही नहीं। लोकसभा स्पीकर ने इस पर भारी नाराजगी जताई और नोटिस जारी किया। जाहिर है ये वो मुद्दा है जिस पर बहस नहीं हल निकलना चाहिए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों का अगर यही रवैया रहा तो शायद ही कोई दिल वालों की दिल्ली बोलेगा, क्योंकि इस जहरीली हवा में दिल कहां से धड़केगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।